उधर यूपी भाजपा ने बनाई है ज्वाइनिंग कमेटी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ये कमेटी बनाई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। तो यूपी भाजपा ने ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है और उस ज्वाइनिंग कमेटी को हेड करेंगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। दोनों ही डिप्टी सीएम इसके मेंबर्स होंगे और इस ज्वाइनिंग कमेटी का खास तौर पर काम होगा कि दूसरे दलों को छोड़कर जो नेता भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं उनका सही सही आकलन करके पार्टी ज्वाइन कराना, नफा नुकसान तोलना इस ज्वाइनिंग कमेटी का जिम्मा होगा। उधर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसका प्रदेश के 1,80,00,000 छात्र छात्राएं महीनों से इंतजार कर रहे हैं। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं का पैसा उनके अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। इसमें स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर खरीदने के प्रति छात्र छात्रा 1,100-1,100 रुपए उनके अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे। सीएम योगी शाम 5 बजे अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर योजना का शुभारंभ करेंगे। परिषदीय प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में करीब 1,80,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों को हर साल 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 स्कूल बैग, 1 स्वेटर, 1 सेट जूते, 2 जोड़ी मोजे दिए जाते हैं और इसको बांटने की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी ने ही की थी। इसमें 2 यूनिफॉर्म के लिए 600, स्वेटर के लिए 200, बैग, जूते, मोजे के लिए प्रति छात्र 250 से 300 रुपए का बजट रहता है, यानी एक बच्चे पर करीब 1,100 रुपए इन्वेस्ट करती है सरकार। 6 नवंबर का दिन उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा जब प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे 1,80,00,000 छात्र छात्राओं को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं, उनके 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग आदि के बदले उनके अभिभावकों के खाते में 1,100 रुपये प्रति छात्र छात्रा के हिसाब से डीबीटी के माध्यम से अंतरित। उधर केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए। सेना के बैंड की भक्ति में धुनों के साथ बाबा केदारनाथ की धोनी ने मंदिर की परिक्रमा की और शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए रवाना हो गई। केदारनाथ बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति अलग अलग पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान होगी। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में इस वक्त चारों ओर बर्फ जमी है, इसके चलते मौसम बेहद ठंडा है। बाबा केदार के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, देवस्थानम बोर्ड से जुड़े लोग, जिला प्रशासन, तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी मौजूद रहे। आपको बता दें इसके बाद 4.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चार धाम यात्रा पर पहुंचे। जय बाबा केदार। आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए हैं और सारे विधि विधान से, तमाम विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की गई और भगवान को कहीं कुंटलों बबूदी से भगवान का श्रृंगार किया गया और आज भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली आज जो है रामपुर जाएगी और कल भगवान की डोली जो है गुप्तकाशी जाएगी और परसों ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान की डोली विराजमान होगी और वहीं आगे की पूजा पद्धति, भगवान की आगे की पूजा वहीं ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार। तो बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली ऊखी मठ के लिए रवाना हो गई है। भाई दूज के दिन कपाट बंद होते हैं केदारनाथ के, आज विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं कपाट। 6 महीने बाद अब कपाट दोबारा खुलेंगे और किस तरह से विग्रह उत्सव डोली ऊखी मठ रवाना हुई, उस दौरान कितना उत्साह, कितनी उमंग लोगों में थी वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं।